हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नासिर अब्बास नैयर। आई एम ए पाकिस्तानी उर्दू राइटर। दिस सेकेंड एपिसोड इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट एपिसोड। इन लास्ट एपिसोड आई ट्राइड टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ पोस्ट कॉलोनियल उर्दू पोएट्री, एंड इन दिस एपिसोड आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट टू पोएट्स हु आर लेस डिस्कस्ड एट लीस्ट अब्रॉड। पिछले एपिसोड में आई मेंशन कपलेट बाई मुनीर नियाज़ी के मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। आसेब से बेहतर कोई इस्तियारा नहीं हो सकता नियो कलोनीलिज्म के लिए, एंड दैट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एंड almost an accurate metaphor that defines the all strategies adopted by neo-colonial forces. Spectre, you can't see spectre, but you can observe activities done by that entity. तो इस मुल्क पर, पाकिस्तान पर जो आसेब न्यू कॉलोनियलिज्म की शक्ल में और उसकी बाद की बदलती हुई शक्ल में उन ये 21वीं सदी तक नज़र आ रहा है, तो उसकी तरफ मुनीर नियाज़ी का ये शेर इशारा करता है कि और जब आसेब आप पे तारी होता है तो आप एक तारीख के एक बहुत एक ऐसे अहद से गुजरते हैं जिसमें बहुत इल्यूजन्स होते हैं। आपको इल्यूजन होता है कि आप आगर कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपका जो ट्रैवल करना होता है वो इल्यूजन से ज़्यादा नहीं होता। आपकी जो हरकत होती है वो हरकत नहीं होती, हरकत का अल्तबास होता है। आपका जो सफ़र होता है वो सफ़र नहीं होता, सफ़र का अल्तबास होता है। तो इसी तरह के सारे इल्यूजन्स और अल्तबासात जो हैं वो न्यू कॉलोनियलिज्म पैदा करता है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो उर्दू शायरी पाकिस्तान बनने के बाद लिखी गई उसमें तीन सतह हमें देखते हैं, एक पर्सनल, पॉलिटिकल और एग्जिस्टेंशियल, और इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो मेल्ट डाउन हो जाती हैं। और मुनीर नियाज़ी की अगर हम शायरी देखें तो उसमें हमें बज़ाहिर मजीद अमजद ने उसकी किताब का दिबाचा लिखा तो उसमें उन्होंने उनके उसको पर्सनल हवाले से देखा, लेकिन हकीकत ये कि अगर हम मुनीर नियाज़ी की शायरी की पूरी फ़ज़ा को, जो शाम, रात, साए, चुड़ैलें, उजड़ी हुई गलियाँ, उजड़े मकान और हबशने, स्याही, मौत, ये एक सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें वो पर्सनल्स भी इसकी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन एक पर्सनल भी उस सतह पर हम दे सकते हैं कि जो नई सब्जेक्टिविटीज़ बनी एक पोस्ट कॉलोनियल मुल्क में ये उसका इजहार हो सकती हैं। लेकिन जब हम उनको एक पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी ये शायरी एक जो न्यू कॉलोनियल कंडीशंस थी उसको पूरी तरह वाज़े करती है। एक खौफ की फ़ज़ा उनके यहाँ मुसलसल आपको नज़र आएगी। अच्छा, एक और बात, ये जो फ़ज़ा जिसका मैंने ज़िक्र किया ये एक तरह की असातीरी फ़ज़ा है, दैट इज़ मैथोलॉजिकल इन नेचर। और मैथोलॉजिकल जो होती है उस वो सिंबॉलिक तो होती भी है। बाज़ लोगों ने कहा कि जो जिन शायरों ने मैथोलॉजी को इस्तेमाल किया उनके यहाँ रेजिस्टेंस नहीं थी। हकीकत ये कि रेजिस्टेंस का अगर हम एक वसी तस्वीर सामने रखें तो उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, और सबसे ज़्यादा गहरी और ज़्यादा एक हमागी रेजिस्टेंस होती है वो इनके यहाँ भी नज़र आती है। जो सतह पर आपको इतनी दिखाई नहीं देती जितनी आपको अपने डीप स्ट्रक्चर पर दिखाई देती है। मसलन मुनीर नियाज़ी की शायरी में ये आपको चील का ज़िक्र नज़र आएगा, उजड़े मकानों का ज़िक्र नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए कि एक चील एक ममटी पे बैठी है धूप में, एक चील एक ममटी पे बैठी है धूप में, गलियां उजड़ गई हैं मगर पास बाँ तो है। अब आप इसको अगर आप देखें कि एक उजड़ी गलियों के साथ एक चील को पासबाँ समझना, ये एक उस सूरत हाल को बयान करता है जिसको मेरे ख्याल पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं वो बेहतर तौर पर एक समझ सकते हैं। इसी का एक मशहूर शेर भी आप सुनते जाइए कि आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र राय गाँ तो है।
ये जो जिसका मैंने जिक्र किया कि इस फ़ज़ा के बावजूद इनके यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो उसकी आप ये अशार देखिए जिनमें एक ओपन रेजिस्टेंस आपको नज़र आती है, गुस्सा नज़र आता है, और उस सारे सिस्टम को एक तहबाला, एक जिसको अंग्रेज़ी में सबवर्शन कहते हैं, तो उस सबवर्शन का जो तस्वुर है वो इनकी शायरी में आपको बहुत नुमाया नज़र आता है कि इस शायर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए, मिलती नहीं पनाह हमें जिस ज़मीन पर, एक हश्र उस ज़मीन पर उठा देना चाहिए। तो ये हश्र उठाने का जो तस्वुर है, ये एक सिलसिला है, ये एक रेजिस्टेंस की एक वो शक्ल है, जो एक बेहतरीन शक्ल जो एक कोई शायरी अपने सारे जमालियाती सतह को एक मलहूज रख कर या उसको सामने रख कर वो पेश कर सकती है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक इनकी शायरी में मैथोलॉजिकल एक जहत पैदा हुई, तो वो रफ्तार रफ्तार इनको मज़हब की तरफ भी ले गई। वैसे तो हमारे यहाँ एक जो अदब और शायरी पाकिस्तान में जो लिखा गया वो ख़ास तौर पर 1950 के बाद रफ्तार रफ्तार फिर 70 और 80 की दहाई में तो खैर अपने एक्सट्रीम को पहुँचा, और एक जो दाएँ बाजू की फिक्र थी वो नज़र आई। तो एक मुनीर नियाज़ी के यहाँ भी रफ्तार रफ्तार एक मज़हबी शऊर जो है वो पैदा होता जाता है, लेकिन मैं इनको उस दाएं बाजू की उस जो सियासी एक अदब था जो लिखा गया हमारे यहाँ, जिस पर हम बाद में किसी एपिसोड में बात करेंगे, उससे इनका ताल्लुक नहीं है। तो रफ्तार मसल मैं उसकी तरफ एक दो शेर पढ़ कर बताना चाहता हूँ कि कैसे वो इनके यहाँ ये ज़ाहिर हुआ। मसलन, सुन बस्तियों का हाल जो हद से गुज़र गईं, उन उम्मतों का ज़िक्र जो रस्तों में मर गईं, कर याद उन दिनों को कि आबाद थी यहाँ गलियाँ जो खाक व खून की दहशत से भर गईं। तो इनके यहाँ एक ये फिक्शन में इंतज़ार हुसैन के यहाँ नज़र आता है, और शायरी में ये मुनीर नियाज़ी के यहाँ नज़र आता है कि रफ्ता रफ्ता वो पीछे अपनी उस तारीख़ को खंगालते जाते हैं, और उस तारीख़ के अंदर से अपनी शायरी की रूह और अपनी शायरी के लिए हरारत और अपनी शायरी के लिए जमालियात तख्लीक करते हैं। लेकिन इसका भी एक पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, और ये एक सवाल है कि शायरों ने किस तरह अपने आइडेंटिटी के इशू को लिया। बूढ़ा पनवाड़ी, बूढ़ा पनवाड़ी उसके बालों में मांग है न्यारी, आँखों में जीवन की बुझती अग्नि की चिंगारी, नाम की एक घाटी के अंदर पोसीदा अलमारी, आगे पीतल के तख्ते पर उसकी दुनिया सारी, पान कथा सिगरेट तंबाकू चूना लौंग सुपारी, कौन इस गुत्थी को सुलझाए दुनिया एक पहेली, दो दिन एक फटी चादर में दुख की आंधी झेली, दो कड़वी सांसें लीं दो चिल्मों की राख उंडेली, और फिर उसके बाद न पूछो खेल जो होनी खेली, पनवाड़ी की अर्थी उठी बाबा अल्लाह बेली। मजीद अमजद, ये वो दूसरे शायर हैं जिनका मैं आज ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये नज़्म उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले लिखी, जब हम कलोनियल एक ब्रिटिश कलोनियलिज्म के ज़ेर असर थे। उस वक्त हमारे यहाँ उर्दू में मॉडर्निटी की जो तहरीक चल रही थी, आमतौर पर यह समझा जाता है कि वो एक मोनोलिथ तहरीक थी, और सबको एक ही छड़ी से हांका जाता है, और ज़्यादातर कैनन बनाया जाता है जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है। आम तौर पर एक लाइन ड्रा नहीं की जाती एक वेस्टर्न मॉडर्निटी और एक कॉलोनियल मॉडर्निटी में। तो यहाँ के लोग जिस मॉडर्निटी से आशना हुए थे वो कॉलोनियल मॉडर्निटी थी, और तमाम जो कॉलोनियल मॉडर्निटीज़ हैं उनके यहाँ एक मुसलसल एंगेजमेंट नज़र आती है, वो है नेशन के तस्वुर के साथ। आप उर्दू के इन शायरों को देखिए, मजीद अमजद को देखिए, इनके यहाँ एक हड़प्पा की जो तहजीब है उसको रिक्लेम करने की कोशिश नज़र आती है, राशिद के यहाँ अजम के सिलसिले में ये कोशिश नज़र आती है, मीरा जी के यहाँ कदीम हिंदुस्तान को रिक्लेम करने की कोशिश नज़र आती है, और अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं और 20वीं सदी के एक अजीम शायर हैं, उनके यहाँ हिजाज को रिक्लेम करने की कोशिश नज़र आती है। तो ये बिल्कुल एक चार अलग किस्म की हमें जदीदियतें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मॉडर्निटी नहीं थी, मल्टीपल मॉडर्निटीज़ थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी मजीद अमजद ने जो नज़में लिखी, ये पनवाड़ी पाकिस्तान बनने से पहले लिखी गई थी,
और जिस तरह की एक हमें एक तकसीरी कल्चर इनकी शायरी में पाकिस्तान बनने से पहले नज़र आता है, वो बाद में भी नज़र आता है। वो हड़प्पा की उस तहजीब के जो मज़ाहिर हैं, बहुत से जो विजिबल और टेंजिबल मज़ाहिर हैं उनको भी, और जो इनविजिबल और वो जो स्ट्रक्चर की सतह पर हैं उनको भी वो पेश करते हैं, यहाँ के दरख्तों को, यहाँ के फलों को, और यहाँ के जो फ्लोरा और फौना है, और यहाँ के जो त्यौहार हैं उसको भी पेश करते हैं जो यहाँ से मखसूस हैं। और उस जो पुरानी तहजीब की बात चीज़ें उनको भी वो सामने लाते हैं। अगरचे ये इनकी शायरी का गालिब हिस्सा नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम हवाला ज़रूर है हड़प्पा की वो तहजीब। इनकी एक नज़्म हड़प्पे का कतबा, उस नज़्म में भी वो वहाँ तक जाते हैं, और बैल जो हड़प्पा की तहजीब का सबसे नुमायाँ जानवर है वो एक मेटाफर के तौर पर इनकी इस नज़्म में दिखाई देता है। लेकिन वो ये देखते हैं कि इनकी शायरी ये बताती है कि पुरानी तहजीबें हों या नई तहजीबें हों, उनके यहाँ एक ख़ास जो तबकाती तकसीम है वो नज़र आती है। मजीद अमजद अगरचे तरक्की पसंद तहरीक में शामिल नहीं थे, लेकिन वो 20वीं सदी का शऊर जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, वो एक तबकाती तस्वूर और दुनिया को तबकाती पैराडाइम में देखने का, वो बहरहाल मजीद अमजद के यहाँ नज़र आता है। तो इन्हें वो कदीम तहजीब भी इसी में दिखाई देती है कि उस वक्त भी ये एक फ़र्क मौजूद था। दूसरे लफ्ज़ों में वो माजी का जब तसव्वुर करते हैं तो उस माजी को ग्लोरीफाई नहीं करते, उस माजी को उसकी उस असल शक्ल में दरियाफ्त करते हैं। तो गोया बाज़ हमारे शायर उर्दू में ऐसे ज़रूर आए जिन्होंने माजी को ग्लोरीफाई किया, और जिनके नज़दीक अपनी आइडेंटिटी का जो सवाल था वो दरअसल माजी का एक पुरशिको तसव्वुर करने में था। मजीद अमजद के यहाँ ऐसा नहीं था। हड़प्पे का कतबा से मैं कुछ चंद लाइनें पढ़ता हूँ कि बहती रावी तेरे तट पर खेत और फूल और फल, 3000 बरस बूढ़ी तहजीबों की छलबल, 2 बैलों की जीवट जोड़ी एक हाली एक हल, सीने संग में बसने वाले खुदाओं का फरमान, मट्टी काटे मट्टी चाटे हल की अनी कमान, आग में जलता पिंजर हाली काहे को इंसान, कौन मिटाए उसके माथों से ये दुखों की रेख, हलकों खींचने वाले जनरों जैसे उसके लेख, तपती धूप में 3 बैल हैं 3 बैल हैं देख। अब वो इस नज़्म का उन्वान है हड़प्पे का कतबा। दूसरे लफ्ज़ों में हड़प्पे को जब उसके जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुई हैं तो उसमें जो दरियाफ्त है वो उन्होंने एक कतबा एक इमेजिन किया है कि उसमें भी यही ठीक है, हमें वो बैल तो नज़र आता है लेकिन उस ज़माने का जो इंसान यानी किसान था वो उसी का शिकार था जिसके हवाले से 20वीं सदी में बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चलीं। मजीद अमजद ने नज़में भी लिखीं और गज़लें भी लिखीं। नज़मों में बिल्कुल उन्होंने एक जुदागाना सलूक इख्तियार किया, और उन्होंने अगरचे अपनी शायरी को बज़ाहिर सियासी मौजू से अलग रखा, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी शायरी 20वीं सदी का कोई शायर गैर सियासी है ही नहीं, या उसकी हम कोई रीडिंग ऐसी नहीं कर सकते जो बिल्कुल एक गैर सियासी रीडिंग हो, पॉलिटिकल रीडिंग वो एक हमें यानी वो शायरी एक ऐसी फ़ज़ा में लिखी गई है कि खुद ब खुद उसकी बहुत एक सिग्निफिकेंस जो है वो पॉलिटिकल हो गई है। मजीद अमजद ने गज़लें भी लिखीं और एक ऐसी गज़लें लिखीं जिनमें वो एक ऐसे जदीद शायर के तौर पर नज़र आते हैं जो अपनी ज़ुबान ख़ुद ईजाद करता है, अपना लहजा ख़ुद ईजाद करता है, और जिसके यहाँ एक इत्माद और एक तफाखुर और एक अपनी दुनिया एक दरियाफ्त करने का एक एहसास और पुरशिको किस्म का एहसास हमें वो दिखाई देता है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का अख्ताम उनके 2-3 शेरों पर करना चाहता हूँ, और अब ये कहता हूँ ये जुर्म तो रवा रखता मैं, उम्र अपने लिए भी तो कुछ बचा रखता, जब आसमां पे खुदाओं के लफ्ज़ टकराते मैं अपनी सोच की बेहर्फ लौ जगह रखता, पलट पड़ा हूँ शुआओं के चीथड़े ओढ़े, पलट पड़ा हूँ शुआओं के चीथड़े ओढ़े, नशेबे जीने अयाम पर असा रखता, किसी ख्याल में हूँ या किसी खला में हूँ, कहाँ हूँ कोई जहाँ तो मेरा पता रखता। बहुत शुक्रिया।